आज चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है हमारा कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर का स्पेलिंग COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर जो है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर कहते किसको है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और आपको बता दें कंप्यूटर का मीनिंग, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो C for common, common का मतलब होता है सामान्य। C for common का मतलब सामान्य। O for operating का मतलब होता है संचालन। M for machine का स्पेलिंग होता है यंत्र, मशीन मतलब यंत्र। P for particular मतलब मुख्य रूप से। U for used means प्रयोग करना या फिर इस्तेमाल करना। नेक्स्ट T for trade, ट्रेड मतलब व्यापार। E for education मतलब शिक्षा। R for research मतलब खोज। एक बार फिर से COMPUTER कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। कंप्यूटर C for common का मतलब होता है सामान्य। O for operating का मतलब होता है संचालन। M for machine का मतलब होता है यंत्र। यंत्र मतलब कोई उपकरण बोल सकते हैं, उपकरण। यंत्र मतलब कोई उपकरण हो सकता है टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी हो सकता है। आगे देखिए P for particular का मतलब होता है मुख्य रूप से। U for used मतलब होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। नेक्स्ट T for होता है ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ट्रेड मतलब व्यापार, यानी कि व्यापारी लोग व्यापार करते हैं। ओके, E for education मतलब शिक्षा। और R for research मतलब खोज, यानी कि कंप्यूटर का मतलब यही है जो क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। मतलब हमारे यानी कि कामों को क्या कर दे, आसान कर दे, यानी कि सरल कर दे, आसान कर दे। हमारे कामों को क्या कर दे, सरल कर दे, मतलब आसान कर दे, सामान्य कर दे। ऑपरेटिंग संचालन का मतलब होता है ताकि जिसको हम चलाएं और हमारे कामों को वो क्या कर दे, आसान कर दे। वैसा यंत्र जिसको हम चलाएं और वो हमें क्या कर दे, हमारे कामों को आसान करे। नेक्स्ट P for particular मतलब मुख्य रूप से, सिर्फ उसी काम के लिए हो। नेक्स्ट U for use मतलब प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, यानी हम जो प्रयोग कर रहे हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो, यानी कि जिस उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब व्यापार, जो हम यानी जिसके मान लेते हैं इसका प्रयोग अलग अलग चीजों में होता है। जैसे आपको हम दिए हैं यहाँ पर एजुकेशन में भी इसका प्रयोग होता है, किसका, कंप्यूटर का। और यहाँ पर हम आपको व्यापार भी दिए हैं, यानी कि ट्रेड भी दिए हैं। नेक्स्ट है रिसर्च का मतलब होता है खोज, मतलब वैसे चीज जिसको हम खोज के लिए, जैसे किसके खोज के लिए, शिक्षा या व्यापार के खोज के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। वैसा मुख्य रूप से उपकरण जिसको हम संचालन करते हैं, चलाते हैं और हमारे वो कामों को आसान कर देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के तरह तरह से आप डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक। वैसा मतलब यंत्र जो हमें हमारे कामों को क्या कर दे, आसान कर दे, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट Who is the father of computer? यानी कि कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर के फादर कौन है। तो हम आपको लिखा है चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के कौन है, पिता है, यानी कि कंप्यूटर के बाबूजी है, पापा है।
कंप्यूटर के पापा कौन है? चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखिएगा, यही है। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या होता है, हमारे दिशा अनुसार, यानी कि हम जो दिशा, मतलब हम अपना जो बात उसको चाहते हैं करवाए वो करवाते हैं, यानी कि किससे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, कंप्यूटर से। हमारे दिशा अनुसार वह काम करता है। हम जो काम देते हैं हमारे कामों को क्या करता है, कामों को पूरा करता है। हमारे जो हम काम देते हैं और वो हमारे कामों को पूरा कर देता है तो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं कैमरा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा टीवी, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच, और क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, सब स्मार्ट है ना। तो ये सब ईटीसी हो जाएगा, यानी कि ये जितना भी चीज हम आपको लिखे हैं ये सब क्या है, कंप्यूटर है। कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटर है। कैलकुलेटर किस तरह से, बउआ हमको कोई भी चीज अगर जोड़ना है, कोई भी यानी कि हिसाब किताब जोड़ना है, हिसाब किताब जब भी जोड़ना या घटाना है या गुणा करना है, कुछ भी करना, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने हिसाब को पटाख से जैसे ही बटन दबाएं तो पटाख से हमारा काम हो जाता है। तो कैलकुलेटर भी हमारा क्या है, कैलकुलेटर भी हमारा कंप्यूटर है। नेक्स्ट स्मार्ट वॉच भी हमारा कंप्यूटर है, हमारे समय को दिखाता रहता है। और कैमरा क्या होता है, उसमें फोटो क्लिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टीवी का मतलब होता है टेलीविजन भी हमारा क्या है, स्मार्ट है। तो जितना भी चीज स्मार्ट होगा और वैसा चीज जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जब ये कह देगा ना, इलेक्ट्रॉनिक जब ये कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या चीज से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। इलेक्ट्रिक मतलब क्या, बिजली, इलेक्ट्रिक बोले तो बिजली से चलता है, यानी कि जो चीज बिजली से चल जाए, बिजली से जो चलेगा तो हम समझ जाएंगे वह क्या हो सकता है, वह इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक होगा वह क्या होगा, कंप्यूटर होगा।